हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द इमेजिंग में। मैं हूं राजपाल सिंह और आज दोस्तों हम बात करेंगे स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं आपको स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर है वो कहां होता है। तो सबसे पहले यहां जाइए आप फाइल में, यहां स्क्रिप्ट्स में अपन जाएंगे तो यहां है स्क्रिप्ट इवेंट्स मैनेजर। तो दोस्तों इसका यूज कैसे लिया जाता है आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। इससे आप ऑटोमेटिकली वर्क कर सकते हैं बहुत सारे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि इसको किस तरीके से यूज़ में लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप इवेंट को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रन कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हैं, हमारे एक्शंस को रन कर सकते हैं। तो यहां से हमने यहां से अनेबल कर लिया दोस्तों। उसके बाद में है फोटोशॉप के इवेंट्स, यहां तो आ जाएंगे जो ऐड करेंगे वो। यहाँ है फोटोशॉप के इवेंट्स कि आप जब एप्लीकेशन या फोटोशॉप स्टार्ट हो तब आपको कुछ करना है, या नया डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं तब करना है, या कोई डॉक्यूमेंट्स आप खोल रहे हैं तब करना है, या स्टार्ट सेव मतलब सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स की तब करना है, या जो डॉक्यूमेंट्स सेव हो गया है उस पर करना है, क्लोज डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे करना है, या प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे करना है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे कुछ करना है, या एवरीथिंग में कुछ करना है। यहाँ से एंड इवेंट जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन है, और यहाँ जो है एक्शंस का ऑप्शन है। तो मैं आज आपको एक्शंस के साथ बनाना सिखाऊंगा। और पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्शन जो है वो क्या है, किस चीज़ का एक्शन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं आज यहाँ इसको डन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक फोटोज जो है वो ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं फोटो ओपन कर लेता हूँ पहले। जैसे कि मैंने ये एक फोटो ओपन कर ली है, तो मैं पहले एक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली फिल करने का एक्शन है, फोटो को आप फिल कर सकते हैं यहाँ से। ये एक्शन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और जिस भी लेयर या जिस भी बॉक्स पे हमें सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे इस बॉक्स पे करना है तो मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इस एक्शन को प्ले कर दूँगा। तो पहले मैं आपको एक्शन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों कि ये एक्शन किस चीज़ का है। तो ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो फ़ोटो है वहाँ फिल हो गई है, साइज वाइज छोटा मोटा कुछ भी हमें नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस एक्शन से जो है फ़ोटो को सेट कर सकते हो उसकी जगह पर। तो अब इस एक्शन को इवेंट मैनेजर जो है उसके साथ कैसे यूज़ में लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस लेयर को दोस्तों यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब हम वापस फाइल में जाएंगे। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अब वापस हम फाइल में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे, इवेंट जो मैनेजर है स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर उसमें जाएंगे, और यहाँ से हम अब यहाँ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं और ओपन डॉक्यूमेंट, जैसे ही हमारी फाइल हम कोई खोलें तो हमारी फिल हो जाए इसके अंदर बॉक्स के अंदर। तो ऐसा मैं एक जो है इवेंट बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया है और मैंने डन कर दिया, मैंने ये सिलेक्ट की है। फिर मैं कोई फाइल जो है वो ओपन करता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये वाली फाइल मैंने यहाँ से ओपन कर ली। तो देखिए दोस्तों, ओपन होते ही जो उस पर मैंने इवेंट जो लगाया था वो इवेंट लग गया है, वो ऑटोमेटिकली फ़ोटो वहाँ चली गई है, ये देखिए दोस्तों। और जैसे ही हम यहाँ से उसको डिसेबल कर देते हैं, स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर में जाकर के यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, डन कर देते हैं, और जैसे हमें दूसरा कोई टेम्पलेट जो है वो ओपन करना है इस तरीके से, तब ये इवेंट मैनेजर जो है वो वर्क नहीं करेगा, हमारा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और हम यहाँ फोटो लगाएंगे। जैसे मैंने ये शेप सेलेक्ट की, यहाँ से वापस से इवेंट मैनेजर जो है उसमें गए, इसको यहाँ से अनेबल किया, और जैसे ही मैं कुछ वापस से एक मैं PSD खोलता हूँ, जैसे ये मेरे PSD खोलता हूँ फोटोशॉप में, जैसे यहाँ मैंने खोली इसको, तो अब मैंने क्या है अनेबल कर रखा है स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर को। तो ये फाइल ओपन होते ही यहाँ चली जाएगी, हमने जो ओपन डॉक्यूमेंट्स में जो एक्शन लगाया था, ये देखिए दोस्तों ये फाइल ओपन हुई, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी। प्रोसेसिंग हो रही, ये देखिए दोस्तों ये यहाँ आ गई है इमेज। तो इस तरीके से आप जो है एनेबल डिसेबल करके टेम्पलेट खोलेंगे, और अनेबल करके आप फोटो फिल करेंगे, और डिसेबल करके आप
जो है टेम्पलेट ओपन कर लेंगे तो आपका काफ़ी वर्क जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ या मैंने इनेबल कर रखा है और मैं डायरेक्टली फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ये फाइल ओपन की दोस्तों, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ लग जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ आ गई है। तो थोड़ा एक वर्क इसमें बाकी रह गया था दोस्तों, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, क्लैपिंग मास्क का ही सेक्शन में ऐड नहीं था तो वो मैंने कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इफ़ेक्ट्स के साथ वो जो है लेयर अब जो है लग गई है। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर का जो है वर्क साथ में यूज़ लेते हुए स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर को आप अपने एक्शन को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ओपन डॉक्यूमेंट में ऑटोफिल एक्शन मैंने लगा दिया है, आप चाहें तो ओपन डॉक्यूमेंट्स में भी लगा सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स में भी लगा सकते हैं, वो अलग अलग ये इवेंट्स दे रखे हैं इसमें। तो जैसे ही टेम्पलेट खोलना है तो यहाँ से डिसेबल कर देना है, और जैसे ही आपको फ़ोटोज़ उस पर फिल करनी है तो यहाँ से इसको अनेबल कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा, इस टूल को यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा। और जिन भाइयों को ये ऑटोफिल का मेरा एक्शन चाहिए हो, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे अपने स्टूडियो का नाम और अपने जो जहाँ वो रहते हैं, जो ज़िला है और जो उनका राज्य है, बिल्कुल राज्य का नाम जरूर लिखें। जैसे कोई यूपी से रहता है तो यूपी से, एमपी से है तो एमपी से, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसके अंदर उसका नाम भी लिख करके मेरे को ज़रूर भेजें, ताकि मेरे पास उनका डेटा ऐड रहे और भविष्य में कभी उनको ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉलिंग या कुछ उनको जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि मैं समझ सकूँ कि ये मुझे जानते हैं और मैं भी इनको जानता हूँ। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।